बच्चों, मैं आप लोग को आज चक्रासन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसका ध्यान से आप लोग वीडियो देखेंगे पूरे अंत तक। जो बच्चे चक्रासन नहीं कभी बनाए हैं या नहीं जानते हैं, उनके लिए एकदम सिंपल तरीका है। आप ऐसे सो जाएं, फिर उसके बाद पैर, दोनों पैर को जितना हो सके मोड़ लें। हाथ को इस प्रकार अपने कंधे से सटा कर रख लें और पैर को जब हो सके तो थोड़ा सा ये सटाए हुए नहीं, थोड़ा सा फर्क रखें। और उसके बाद यहाँ से ये इस प्रकार खड़े हो जितना हो सके थे खड़े रहें। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे पहले सिर को रखें, ये वापस आराम से कुछ देर लेटे रहें। यह आपका हो गया प्रथम विधि। और अगर आपसे चक्रासन हो जाता है तो खड़े होकर के भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ से ये झुकें, ये रखें और जितना तक संभव हो सके देर तक रुके रहें। और इसमें चलने का अगर मन आपको हो, ये अब फिर आगे तो कुछ देर चलें, फिर उसके बाद आराम से ये कुछ देर रिलैक्स हो जाए। तो ये आपका चक्रासन करने की विधि है। आप लोग इसका अभ्यास घर पर करेंगे, आपकी मेरुदंड की जो लचीलापन है वो बढ़ेगा, कमर में लचीलापन आएगा, उधर संबंधित कब्ज वगैरह समस्या वगैरह दूर करेगा। तो इसका अभ्यास आप लोग सब घर पे बच्चों करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।